Amjed Ullah Khan Sahab, Corporator, Azampura, और तमाम अराकीन मजल से बचाव तहत मजल से बचाव तहरीक और तमाम हाजरीन, मैं आपसे कहना ज़रूरी समझता हूँ जनाब अमजद उल्लाह खान साहब, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अमजद उल्लाह खान खालिद साहब को इस अजीम काम के लिए चुना और उन्होंने मसाजिद, कब्रस्तान और मुसलमानों और दूसरे तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो उन्होंने काम का सिलसिला जारी रखा है, इसके लिए हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही दीवार का काम मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी रमज़ान के ज़माने में पानी की बहुत तकलीफ़ थी, तो आपने पानी के ज़रिए नए कनेक्शन के ज़रिए पानी का नया कनेक्शन दिलवाया, जिसकी वजह से रमज़ान में पानी की बहुत सहूलत हो गई। उसके अलावा ये लाइट का जो काम था, वो लाइट भी मस्जिद के अंदर लाइट के और रोशनाई का बेहतरीन इंतज़ाम हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो बदू खाना और तहारत खाने के जो अक्सर नौ तामीर हुई और उसमें पानी का इंतज़ाम भी बराबर हो गया, और छत जो थी वो उस पर नहीं थी पहले और अब छत भी पड़ गई, और रास्ता जो था आदमपुरे से जब लोग आते थे नमाज को तो वहाँ पर सही रास्ता नहीं था, लोग डर के मारे कि कहीं कुछ सांप वगैरह का ना काट लें, इसलिए लोग आने से कतराते थे। अब बेहतरीन रास्ता वहाँ गेट से मस्जिद तक की तमाम तामीर किया गया है, और ये तमाम काम अमजद उल्लाह खान खालिद साहब की सरकर्दगी में उनके तआवुन से हुआ। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब इनके लिए दुआ करता हूँ कि वो तमाम इस किस्म के फलाही, मजहबी, समाजी और दूसरे कौम की खिदमत के काम और मज़ीद करें, उनके सब लोग हम उनके हाथ मजबूत करें। मैं उनसे ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत आफियत से रखे, और उनके तमाम मिशन में जो जो काम है उसमें कामयाबी अता फरमाए। बस यही मैं दुआ के साथ मैं आप चंद अल्फाज अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, तकरीबन एक 10 लाख रुपए के सरफे से चंदा साहेब कब्रस्तान की दीवार की हदबंदी अमल में आ रही है। आज़मपुरा जो मलकपेट रेलवे स्टेशन से अकीब कब्रस्तान है, इस कब्रस्तान और इस मस्जिद से मेरा कोई नया रिश्ता या नाता नहीं है, बल्कि मैं अपने वालिद जनाब अमानुल्लाह खान साहब के साथ में इस कब्रस्तान को आया करता था। बहुत छोटा था मैं, यहाँ पर इस कब्रस्तान की जो मलियों में सईद स्टाइल के नाम के फोटोग्राफर हुआ करते थे, अभी भी हैं बेचारे, तो हमारे सईद भाई जो थे वो मेरे वालिद के बहुत ही करीबी दोस्तों में से थे, और बाजुक में एक जो पट्टिया मंत्री वालों का नाम क्या है, हमीद साहब, एक और एक हमीद साहब जो बोन सेटर हैं बेचारे, तो ये दो जगह मैं अक्सर आया करता था मेरे वालिद के साथ। यहाँ पर तकरीबन इस मस्जिद में असर और मगरिब की नमाज़ अदा किया करता था, लेकिन इस कब्रस्तान की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था। अल्लाह ने मुझे इस हलके से इंतखाबात में चुना, ये इंतखाबात में जीतने के बाद में मेरी एक नीयत थी कि इस मस्जिद को, इस कब्रस्तान की हिफाजत की जाए, साफ़ सफाई की जाए। सबसे पहले इस मस्जिद में आज से तकरीबन 2 साल पहले इस मस्जिद में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, कनेक्शन नल का कनेक्शन टूट गया था। उस नल के कनेक्शन को मैंने वाटर वर्क्स के ज़रिए लागू करवाया। आज अल्लाह का फजल है कि जितने लोग वजू करने के लिए आते हैं तो उनके लिए आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेशन है मलकपेट रेलवे स्टेशन, ये मलकपेट रेलवे स्टेशन में जितने भी लोग आते हैं, ना सिर्फ इसी महल्ले के बल्कि हैदराबाद के और आंध्र प्रदेश के जितने लोग आते हैं इस मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं नमाज के लिए। उसके बाद में यहाँ पर ये जो रास्ता था अंदर मस्जिद में, यानी ज़ियारत को जाने के लिए कुबूरों तक रास्ता नहीं था और मस्जिद से लेकर वहाँ तक रास्ता नहीं था गेट से, तो उसको भी, उस रास्ते को तकरीबन 3 लाख रुपए के सरफे से पूरे पिछले रमज़ान में बनाया गया। और उसके बाद में यहाँ पर मस्जिद में अंदर यानी बड़े बड़े जो लाइट्स लगवाए गए, सर्च लाइट्स लगवाए गए, कहीं भी मस्जिद में आप सरकारी तौर पर लाइटनिंग का सिस्टम नहीं देखेंगे, बल्कि इसी हलके में आज़मपुरे में लाइट्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ तक के जो लाइट्स की बिल होती है
वो बिल भी बल्दिया की तरफ से दी जाती है। उसके बाद से ये जो कब्रिस्तान की दीवार थी, बहुत बोसीदा दीवार थी, जगह जगह से गिर गई थी, लोग रातों में इसमें गलत हरकतें हो रही थी, मैं खुद अपने आँखों से कई मरतबा इसमें लोगों को जुआ खेलते, शराब पीते देखा, यहाँ चदरघाट पुलिस स्टेशन के भी लोग बेजार थे। तो दो साल की जो मेरी मुसलसिल पैरवी थी, वो पैरवी के बाद में आज अल्लाह ताला ने इस कब्रिस्तान की दीवार का काम तकमील पाया। अभी 70% काम हो चुका है और 21% काम बाकी है, क्योंकि ये जो एस्टिमेट बनाए थे जब कुछ रेट्स थे, अब कुछ उसके आधे रेट्स होने की तरफ से ये काम पूरा नहीं हुआ। अल्लाह का फजल है कि ऐसे तो नुमाइंदे जो लोग कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी होते हैं, काम करते हैं, काम अल्लाह ताला उनसे भी लेता है, सड़कों का काम, ड्रेनेज का काम होता है, लेकिन ये कब्रिस्तानों की हिफाजत जो होती है, वो कब्रिस्तान जो है इंसान का एक मुसलमान के लिए आखिरी, यानी उसका ज़िंदगी का जो आखिरी मरहला रहता है उसका, वो उसकी खबर होती है। तो कब्रिस्तान की हिफाजत बहुत अहम होती है। और पुराने शहर में आप जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबर्स की अगर नज़र में कोई प्रॉपर्टी है तो कब्रिस्तान प्रॉपर्टी है। मैं पूरी मस्जिद की कमेटी से, मैं इस कब्रिस्तान के मुतवल्ली से, इस दरगाह के मुतवल्ली से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने खिदमत का मौका दिया। पहले तो सबसे पहले अल्लाह के दरबार में मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने अपनी मखलूक की खिदमत का मौका दिया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने मुझसे काम किया है। वाकई मैं आज, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। महलिया ने महिला, मुसलिया ने मस्जिद, मुतवल्ली से और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।